होती ये है तो बड़ा फ्रेंडली फाइट जैसा दिख रहा है सुरेंद्र जी कहा संकट है कहा दिक्कत है सब फ्रेंडली फाइट में है वो माइल्ड होकर विशेष राज्य के दर्जे से स्पेशल पैकेज पर आ गए नीतीश कुमार जो छह महीने तक धोखेबाज कह रहे थे प्रधानमंत्री को वो भी माइल्ड होकर विशेष पैकेज पर आ गए फ्रेंडली फाइट <laughs> गरीबा जी तो हम और आप क्यों परेशान हो सच बात यह है कि अगर ये अपना पैर अपने मुंह में रख रहे हैं दोनों लोग तो ये लोग जाने आज मुझे बड़ी निराशा हुई राजीव रंजन जी से क्योंकि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन राजीव रंजन जी से बड़ी निराशा आज हुई मुझे कि वो उन्नीस में चले गए पैंसठ में चले गए कांग्रेस को गाली देने के लिए चले गए लेकिन वो ये कहने की जगह पे कि भाई आप हमें स्पेशल पैकेज दे रहे हो तो कितना दे रहे हो या अगर स्पेशल राज्य का दर्जा दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो ये वही नरेंद्र मोदी जी है जो दो हजार में स्पष्ट रूप से मंच पे खड़े होकर के कहा था तब तो गाड़गिल आयोग वगैरह सब खत्म हो चुका था ना गुरु भाई कि पचास हजार दू कि साठ हजार दू साठ दू कि सत्तर हजार दू सत्तर हजार दू कि अस्सी हजार दू एक, सवा लाग, सवा लाग, सवा लाग करोड़। जैसे वो चुरन बेचने वाले सरकारी बसों दो का माल अठन्नी जो है बात करते हैं नरेंद्र मोदी सा सा पर नहीं एक जगह पर नहीं बीसों जगह पर कहा था राजीव रंजन जी आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिहार विधानसभा का जो पूरा एक रेजोल्यूशन था जिसमें भाजपा भी शामिल थी तब क्या भाजपा को जो गुरु भाई है कह रहे चौदह से पैंक में वो खत्म हो गया था तेरह में गार्डगिल आयोग जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब गार्डगिल आयोग जिंदा हो जाता है क्या गुरु गार्डगिल आयोग तभी क्या नाम मरता है जब जाकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है आप कैसी बातें कर रहे है? दो बातें मत कीजिए देखिए आप साथ रही लेकिन चार से लेकर चौदह तक आप थे सारे नॉर्म्स बिहार जिन पैरामीटर्स पे आज खड़ा है वो सारे पैरामीटर उस वक्त भी थे दस साल की खामोशी और वित्त मंत्री आपके थे पी चिदम्बरम उन्होंने साफ हाँ। तौर पर कहा भाई नहीं दिया जा सकता नहीं दिया जा सकता बिहार को हा 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 तो हमने गलती करी तभी आगे। तो हम खामियाजा भूखते भाई 2014 में गरिमा जी चवालीस सीटें थी हमारे पास हमारे पास का दो सीटें आई थी क्यों आई इसीलिए कि हमने गलती करी अगर हम गलती नहीं करते तो हमारी दो सीटें आती भाजपा की चवालीस आती आप बात समझिए ना हम हम इधर उधर गुरु भाई की तरीके से झूठ नहीं बोलते हैं। हम अगर हमने गलती हमारे नेतृत्व हमारी सरकार ने गलती की हम मानते हैं बिल्कुल देना चाहिए था क्यों नहीं देना चाहिए था भाई नहीं तो कैसे आप जो फार्मूला बता रहे हो लेकिन वो सारे फार्मूले हाँ, सिर्फ बिहारी हाँ, पे लागू करोगे हाँ. सिर्फ आंध्रा पे ही लागू करोगे ये कौन सा तरीका नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत तो क्या क्या, -क्या बदलेंगे तो आपने मैनिफेस्टो में मैं छोड़ दूंगा तो भी मर जिस प्योर पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ राजीव जी से ठीक वही खालि सियासत कर रहे थे आप जब मैनिफेस्टो बना रहे थे कि आंध्र को भी स्पेशल स्टेटस देंगे ये सारे वादे आपने किए नीति आयोग के पास ताकत नहीं कोई प्रावधान नहीं कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए वित्त वित्त आयोग की कोई रिकमेंडेशन नहीं जिसके पास ये सारा जिम्मा है जो बांटेगा पैसे को कैसे करेंगे फिर या कैसे करते सुरेंद्र राजपूत मुझे एक मिनट का कहिए सर मुझे अन इंटरप्टेड एक मिनट का समय दीजिए प्लीज हाथ हाथ जोड़ के कहिए सर प्लीज प्लीज, प्लीज जो राजनीति होती है ना गरिमा जी जी ये जो राजनीति होती है ना ये नीति आयोग को बनाने के लिए वित्त आयोग को बनाने के लिए गाड़गिल आयोग को बनाने के लिए होती है बिगाड़ने के लिए नहीं होती है अगर कोई चीज नहीं है नियम कानून में तो नियम कानून संसद बदलती है और हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने राजनीतिक खामियाजा भुगता है 2004 से 2014 में ना देकर के और हम इस चीज को स्वीकार करते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों नहीं स्वीकार करते कि आप जाति जनगणना बिहार की सदन में तो कहते हैं हाँ कराएंगे और दिल्ली भी जाते हैं और दिल्ली जाकर के आप कह देते कि नहीं जाति जनगणना नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है गरीब की एक अमीर की और मैं गरीब हूं ऐसा हूं वैसा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ये दोगलापन छोड़िए ये दो मुहापन छोड़िए कांग्रेस की कमियों के पीछे शिखंडी बनकर के खड़े मत होइए वो चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे बिहार हो हमने कमियां की हमारी कमियों के पीछे क्यों खड़े होते हैं आप आज की डेट में हमारी कमियों के चक्कर में आप बिहार को क्यों पिछड़ा रखना चाहते हैं आप आंध्र प्रदेश को क्यों पिछड़ा रखना चाहते हैं आप हमें बताइए नीतीश कुमार जी आप हमें बताइए भारतीय जनता पार्टी वालों की हमारी कमियों के पीछे मान लीजिए हमारी कमियां थी उसके पीछे आप बिहार को क्यों दोषारोपित करना चाहते हैं बिहार को क्यों गए ना सुरेंद्र जी आज की डेट में अगर आप सुरेंद्र को... जी एक सेकेंड इसमें बीजेपी का कम दोष दिखता है मुझे दोष में कहूं या ना कहूं इस पर संशय हो सकता है आ, भाई उनके अलाइज बैकआउट कर बिल्कुल... गए आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पैकेज दे दो नहीं नहीं आप मैं, मैं बिल्कुल सही बात है बीजेपी का दोष आपको कम दिखे चाहे ज्यादा दिखे फर्क क्या पड़ता है चाहे बीजेपी का दोष ज्यादा हो चाहे जनता दल यूनाइटेड का दोष पिस्तो बिहार का क्या नाम आदमी रहा है बिहार बिहार पिस रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का दोष हो या न हो या जेडीयू का दोष हो या न हो पिस कौन रहा है पिस तो बिहार रहा है आज की डेट में क्या बिहार को क्या नाम ये लोग पिसने के लिए बैठे हुए या बिहार के डेवलपमेंट के लिए बैठे हैं नियम नए बनाइए नियम तोड़ दीजिए संसद से दूसरे नियम बनाइए कौन रोक रहा है आपको hmm. क्या आपको ये कहना है कि मनाई है अधिकारियों का काम अधिकार की का रक्षा करना था कर्मचारियों का कानून की और नेता का काम होता है कानून बनाना दूसरे कानून बना के स्पेशल स्टेटस दे दीजिए हाँ। कौन रोक रहा आपको? ठीक कैसे है आपको बना दीजिए लेकिन कांग्रेस की कमियों के पीछे क्यों पड़े हुए लेकिन यह तो तय हुआ ना कि जिस मौके की तलाश में चार जून को जयराम रमेश ट्वीट कर रहे थे कि नीतीश कुमार चले आएंगे जिस मौके की तलाश में तमाम आप इंडिया गठबंधन के लोग थे कि ये जो 32 का फासला है ये इधर चले आए प्रधानमंत्री पद का प्रलो, प्रलोभन दे दे कोई ऑफर दे दे तो सरकार हमारी बन जाएगी ये दिख नहीं रहा ना होता हुआ या तो फ्रेंडली फाइट है कंप्लीटली ये तो तय है ना सुरेंद्र राजपूत सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आप तक आवाज नहीं आ रही मृत्युंजय तिवारी मृत्युंजय जी नहीं नहीं मुझे हाँ। मुझे आ रही है आवाज हाँ कही 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 जी आप आप जो पूछ रही थी मैं हाँ। बड़ी सिंपल सी मुझे लगा कि आप मृत्युंजय के पास चली गई हाँ। फार्मूला कुछ भी रहे एक बार सवाल अगर थोड़ा सा दोहरा देंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाए क्योंकि आवाज टी से हो गई थी। नहीं यहां पर आपका वो जो ख्वाब था जिसके चक्कर में चार जून को जयराम रमेश भी ट्वीट कर रहे थे हम देंगे स्पेशल स्टेटस वो ख्वाब तो अभी मुकम्मल होता हुआ नहीं दिख रहा लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगस्त तक चलेगी सरकार देखिए हम आपसे दो बातें बड़ी स्पष्ट कहते हैं हमारा राजनीतिक ख्वाब है हम सरकार बनाना चाहते हैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं सरकार तभी बनेगी जब हमारे नंबर होंगे भारतीय जनता पार्टी की अनैतिक सरकार है लेकिन हमारे ख्वाब या भारतीय जनता पार्टी के ख्वाब ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इसके चक्कर में बिहार को क्यों पीस रहे हैं हमारा है लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी पाप कर रही है ना